हेलो एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स आउट देर एंड ऑल द व्यूअर्स आउट देर आई होप आप लोग सब कोई अपने घर में स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं नाउ टूडेज आर टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड हाउ द कॉन्सेप्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द यू नो हाउ द टर्म एंड द कॉन्सेप्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री रिलेशंस टू एम्प्लॉय रिलेशंस राइट तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जानते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है तो देखिए एज पर ये ना एज पर हम लोग लॉ डिफाइन करते हैं एज़ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नाइनटीन the notes द already been provided in the playlist यू कैन गो थ्रू इट वंस आप सबसे पहला जरूरी है जानना कि एक इंडस्ट्री क्या होता है तो इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी काम चल रहा होता है अब क्या क्या काम चल रहा होता है वो सारा चीज उसमें मैंशन में किया हुआ है राइट अब एम्प्लॉय रिलेशंस क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है तो इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेंट हैं एक आपके एम्प्लॉयर्स हैं एक आपकी इम्प्लॉयज़ है और दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट है राइट right? तो रिलेशनशिप किस में हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है इम्प्लॉय एम्प्लॉ के बीच में हो सकता है गवर्नमेंट का सबके बीच में हो सकता है उसके अलावा एम्प्लॉयज़ की अपनी एसोसिएशन्स हो सकती है तो एम्प्लॉयर की एसोसिएन्स का स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है एम्प्लॉय की एसोसिएशन्स का इससे हो सकता है तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ठीक है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप ये समझें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन टर्म क्यों आया था टर्म आया था यू नो दैट दिस टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन इट केम वे बैक इन मिड ट्वेंटी सेंचुरी फॉर टू रीजन्स फर्स्टली द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली थ्रू नॉर्थ अमेरिका टू सप्लाई द वर्ल्ड वॉर टू एफर्ट ठीक है एंड एज यूनियन मेम्बरशिप ग्रू कोस्पॉन्डली इंडस्ट्री को भी अपना कलेक्टिव बर्गनी हुए प्रोसेस बढ़ाना था इसलिए आया और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सोशल साइंस बन गया जहाँ पर प्राइमरली इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एनालाइज किया जाता था और उनके हिसाब से काम किए जाते थे दिस इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है राइट right? अभी अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है जिसमें जैसे मिस्टर डेल योडर सेस दैट इट इज़ अ आई आर इज अ डेजिग्नेशन ऑफ द होल फील ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नेसेसरी कोलाबोरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्री हमने क्या बताया था आई आर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आई का कॉन्सेप्ट आया जब ट्वेंटी सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर टू के समय जब यू नो वेन द नॉर्थ अमेरिका है सप्लाई नो टू दी वर्ल्ड वॉर टू एफर्ट द यूनियन मेम्बरशिप ग्रो ठीक है एंड इंक्रीजिंगली जो इंडस्ट्री बढ़ रहे थे तो इंडस्ट्री बढ़ रहे थे तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस थे जो वर्कर्स थे उनकी साइकोलॉजी या उनके जो भी एकेडमिक डिसप्लिन इकोनॉमिक्स को डील करने के लिए ऑल द मैन एंड द वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन वॉट एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्री ये आई आर हो जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि आई आर इज कंसर्न विद द सिस्टम्स एंड प्रोसीजियर्स बाई यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स टू डिटर्मिन द रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट एंड अदर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशनस है जब हम किसी फैमिली में रहते हैं तो हम क्या करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर स्ट्रोंग वी आर लिव इन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता है उसी तरह जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कोशिश यही होती है कि चाहे किसके बीच में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ रहा है रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज कॉडियल एंड देर इज़ कोऑपरेशन एंड देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट एक आई आर में क्या होता है ना कि एक कोऑपरेशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन इसीलिए ना इसके बाद जब हम लोग आई आर पढ़ते हैं उसके बाद आई डी एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन जो जानना इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी कि उसमें क्या चीज़ हो सकता है इसमें वी वील कम टू इट ट्रेट ऑन अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप आई आर पे जब इसमें पढ़ेंगे आईडी एक्ट में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि लेबर्स लोग के हाथों में हथियार होता है क्या चीज़ का हथियार होता है स्ट्राइक करने का हथियार होता है घेराव करने का हथियार होता है ट्रेड यूनियंस बना के डिमांड करने का हथियार होता है ढेर सारे तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं उसी तरह कुछ हथियार एम्प्लॉयर्स के भी हाथ में होते हैं फाइनली मनी तो एम्प्लॉयर्स के हाथ में ही है जब उनके हाथ में हथियार है तो वो लॉकडाउन कर सकते हैं वो रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं वो अपनी कंपनी पूरी बंद कर सकते हैं तो क्या है ना अगर मान लीजिए हम लोग आपस में जनरली अगर पीपल इन अ फैमिली वी फाइट तो व्हाट इज़ इट इट इज़ फैमिली वी हैव टू फाइनली लिव टुगेदर टू वी सेटल डाउन अमंग्स आर सेल्स एंड देन बिकॉज देर इज़ लव एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम इट फाइनली कोज अवे एंड देर इज़ अल्टीमेटली अ अवे पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल बट दिस इज़ नॉट हैपन इन आई आयर फैमिली की तरह नहीं है आयर में दूसरे दूसरे स्टेट दूसरे दूसरे जगह से अलग अलग फैमिली से लोग आके एक फैमिली बन के वहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं अब अगर आपस में प्रॉब्लम होती है तो ये बात का बतंगर हो सकता है और अगर ये वाली चीज़ अगर कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कहीं भी आपस में प्रॉब्लम होता है और किसी भी रीज़न से अगर काम करना बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है अगर काम करना बंद हो जाता है तो इट लीज टू द यू नो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन विच विल लीड टू डिक्रीज प्रोडक प्रोफिटिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोफिटिबिलिटी बंद होएगी कम होएगी तो उसे भी ना ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें बंद करना पड़ेगा विच विल अल्टीमेटली लीड टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको बताया हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप uh, के रिलेशन्स होते हैं अब देर इज़ अ चार्ट विच इज़ गिवन हियर आई आई थिंक यू शुड गो टू द चार्ट बिफोर यू गो फादर इसमें देखिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के रिलेशन में कौन कौन पार्टीज़ हैं अगर सिर्फ एम्प्लॉयर्स का आप देखें तो एक एम्प्लॉयर्स हो गया दूसरा एम्प्लॉयर की एसोसिएशन हो गई उसके बाद कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स द वेरियस लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर प्रेजेंट इन द आई एक्ट and the entire detailed description of the id act has already been given please go through it once uske baad aapke employees hote hain employees associations hote hain aur government hote hain dekhiye jab ir hota hai to in sab ke beech mein relationship hota hai aur aapas mein employees या इम्प्लॉयज़ के बीच में problem हुआ या government और इम्प्लॉयर association के बीच में कोई भी six का permutation combination आप ले लें और उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आए तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं अराइजिंग ड्यू टू कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा हुआ कि एम्प्लॉयर और इम्प्लॉय बहुत टाइम से नेबर है घर के बगल बगल रह रहे आपस में लड़ाई हो गई तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब है जब वो एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय यहाँ इंडस्ट्रियल रीज़न से इंडस्ट्री के प्रमाइसिस में इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपस में कुछ मन मुटाव या कुछ गलत फहमियाँ या वट एवर इट इज़ हैपन्स दैन इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का भी जो डेफिनेशन है वो एक्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस किस के बीच में अगर अनबन होती है और क्यों होती है वो सारा चीज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अंदर में आता है ना अकॉर्डिंग टू मिस्टर वी बी सिंह ही सेस कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल रिलेशनस हैं और वो इम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेनशिप इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखता है स्टेटिंग द वेरियस डिग्रीज इन कंजुकेशन विद ऑर्गेनाइज सोशल फोर्स एंड इंफ्एंज द एगजिटिंग इंस्टीट्यूशन वो सारा ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना उसका कॉम्पनसेशन का लेवल स्टडी करना मार्केट फोर्सेस को स्टडी करना ये बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशन में आता है ठीक है तो ये सारा चीज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ रहा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड डी नो द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द इम्प्लॉयज वर्कर्स इन अदर स्टेट मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयज वर्कर्स और अदर एसोसिएशन के साथ जब मिलके आपस में कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है कुछ भी प्रॉब्लम करती है तो उसको हम लोग एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रहते हैं एंड अगेन सेट अगेन दैट दैट आयर इज़ द टू फेस कोइन एक उसका होता है कॉपरेशन दूसरा होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट

इम्प्लॉ इम्प्लॉ के बीच में या इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय के बीच में जब आपस में कोई भी मतभेद होता है तो हम लोग उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इट लीज टू वेरी कैटॉसफिक रिजल्ट इन द नियर फ्यूचर फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज दर्गेनाइजेशन फॉर द कंट्री तो होता है क्या है कि ऐसे रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए इसलिए ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए या डिस्प्यूट नहीं हो सके डिस्प्यूट नहीं हो इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है जहाँ पे उन्होंने बकायदा पूरा लॉ बना के रखा हुआ है कि ये ये लॉ है और इसी लॉ के हिसाब से लोगों को काम करना है चाहे वो ट्रेड यूनियंस वाले हो चाहे वो इंडस्ट्रियल वाले हो जो फैक्ट्री यूनियंस वाले हो और वो लोग अगर लॉ को प्रॉपरली अबाइड करते हैं एंड देर वेरियस ऑफिसर्स विच कम टू चेक वेदर द लॉ आर प्रॉपरली बीग अबाइडेड और नॉट और ये लॉ अगर बहुत बढ़िया से जगह चलता है तो इट फाइनली लीड्स टू द प्रोडक्टिविटी ठीक है तो ये इसमें आप, आप सिर्फ जानें कि आई होता क्या है दूसरा दूसरा देखिए स्कोप ऑफ आई आर तो आई आर कहाँ कहाँ ये वॉट इज द स्कोप इट कवर्स द लेबर रिलेशन लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में इम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन वही चीज़ आपका मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज़ में लेबर यूनियन है तो ठीक है अगर नहीं है तो सिर्फ तो एम्प्लॉयज़ है ना ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरा आपका ट्रेड यूनियन हो नहीं ना होता है कि इम्प्लॉयज़ हैं इम्प्लॉयज़ का एसोसिएशन उनकी मर्जी हो बनाएँ ना मर्जी ना बनाएँ लेकिन जब आपका आई आर का स्कोप आता है तो लेबर यूनियन और मैनेजमेंट भी आता है और लेबर यूनियन और इम्प्लॉइज़ भी आता है देन रोल ऑफ वेरियस पार्टीज देट इज़ एम्प्लॉयज़ इम्प्लॉयज़ एंड स्टेट स्टेट इज़ द गवर्नमेंट इन मैंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लास्ट इज़ द मेकैनिज़म ऑफ हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्स बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉज जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है आपके आईडिया एक्ट में शुरुआत में कि इंडस्ट्री क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है उसी तरह से अगर मान लीजिए एक तो हो गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो ही ना अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बचाने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो वॉल्ट्री है पहले से आदमी से चल रहा है ठीक है कुछ कुछ प्रोसीजर्स है चल रहे हैं और दूसरा है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटीज़ होता है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं दे प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं तो प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं सेटलमेंट के क्या क्या तरीके हैं ये सारे चीज़ आई एक्ट में दिए हुए हैं प्लीज़ गो थ्रू इट वंस इट इज एक्सप्लेन इन द्लेन एकदम डिटेली बहुत अच्छे से सारा चीज़ हुआ है जो भी आपके नोट्स में यहाँ पर कवर्ड है जो आपको क्लास में भी दिया गया एवरी थिंग इज कवर्ड है ना वट आर दार्टीज टू द एम्प्लॉज वी डिस्कस नाउ नाउ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन भी आइडेंटिफाइड एज पॉलोज प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो नर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई आर वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आई आर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आई रिपीट अगेन इज वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ इंडस्ट्रियल में क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि अगर प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं रहते हैं तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द नॉन प्रोडक्टिविटी और द रिड्यूज प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंट्री और होल तो क्या करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ आयर में द फर्स्ट इज़ दे ट्राइज टू इंकरेज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट है कि रिज़ल्ट अच्छा रहे कैसा रिज़ल्ट अच्छा रहेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट्स का हम इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर रहे हैं जो भी जिसका जैसा रह रहा है हम लोग उनको देख रहे हैं कि सबकी मांगे पूरी हो रही हैं सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और या मैनेजमेंट दोनों सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि आई आर प्रॉपर होने का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आई आर होने का कि इट अवॉइड द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्स एंड स्ट्राइक्स बाय डेवलपिंग म्यूचुअलिटी अमंग द इंटरेस्ट ऑफ़ द कंसर्न पार्टीज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्स आई सेट शुड बी अवॉइडेड स्ट्राइक्स एंड घेराव शुड बी अवॉइडेड इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो अगर मान लीजिए हम वर्कर हैं और आप आ, हमारी एम्प्लॉई हैं तो हम लोग अगर आपस में मुझे हम लोगों में कोई प्रॉब्लम होता है इफ़ आई हैव सम्लम शॉर्टेड आउट विथ यू राइट नगोसिएशन से या बार्गेनिंग से या ऐसे भी बात करके इफ़ आई कैन शॉर्टेड आउट विथ यू तो कॉन्फ्लिक ख़त्म हो जाएगा लेकिन यही चीज़ हम बढ़ाते गए हम डायरेक्टली आपसे बात नहीं करके लड़ने लगे या फिर ट्रेड यूनियन वालों को जाके बोला या फिर जबरदस्ती बात का बतंगर बना दिया या फिर आपने ही हमारी बात सुनी और आप यू नो यू नॉट एग्रींग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम वेरी रजिड कि नहीं मेरा बात सही है तो क्या होता है इसी में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं तो शुरू से ही अगर हमारे में म्यूचुअलिटी सही रहे इफ़ वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इफ द काइंड ऑफ बिकॉज बिकॉज यू सी द इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाज डेवलप्ड वे बैक और उस समय क्या था ना उस समय था वर्कर्स का एक्स्ट्रीम पॉवर्टी था इम्प्लॉयज हर रिच थे और इम्प्लॉयज सॉरी एम्प्लॉयर्स हद रिच थे और उन लोगों को लगता था कि वर्कर ना वो रिलेशनशिप उससे क्या मंगाए बनाएंगे हम लोग उन लोगों को तो पैसे दो काम करेंगे यही कॉन्सेप्ट ही था और एक्चुअली होता था कि इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि वर्कर मार खा के कुछ भी कंडीशन में एक्सट्रीम मतलब वेरी बैड कंडीशन एंड स्टिल देर वॉज यूज टू वर्क बिकॉज दे नीडेड मनी फॉर द फैमिली सो दिस नी फैक्टर हैड टू बी ओवरकम नाउ आईआर का ये भी है कि आईडी एक्ट में दिया हुआ है कि स्ट्राइक्स एंड घेराउस लॉकआउट्स रिट्रेंचमेंट्स ये दोनों जो ये चारों चीज़ जो हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के हाथ में टूल हैं कि अगर आपको कोई परेशान करा इम्प्लॉय एम्प्लॉई तो आप देख सकें लेकिन क्या है ना इलीगल स्ट्राइक्स आप नहीं कर सकते इलीगल लॉकआउट्स और घेराउट्स नहीं कर सकते इलीगल रिट्रेंचमेंट और ले uh, भी भी है तो वो लोग क्या करेंगे एज़ फार एज़ पॉसिबल कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक्स लॉकआउट्स ग्रेआउट्स ना हो ठीक है देन नेक्स्ट पोश्चन इज द जो आई आर मे इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के वर्किंग में डिसीजन लेने के प्रोसेस में अभी वर्कर्स को भी वो लोग एम्प्लॉय करेंगे इससे क्या होगा इससे इम्प्लॉय जो होंगे उनको लगेगा कि अच्छा भैया हम तो मैनेजमेंट प्रोसेस के पार्ट हैं एंड आई एम डूइंग वेरी गुड एंड इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टन डिसीजन विच इज़ लाइक थोपो ऑन यू यू नो इट्स स्टोरी फोर्स अपन यू एंड अदर वन विच इज़ विच इज़ विच इज़ योर डिसीजन एंड दो विच इज़ योर डिसीजन हो यू काइंड ऑफ एक्सेप्टड विथ मोर ग्रेस फाइन तो अभी इम्प्लॉ टन ओवर या आपसे अरे सिंपल सा है अभी लॉकडाउन है जब शादी हुई थी तो पीपल डि नॉट वॉन्ट टू कुक खाना बनाना थोपा हुआ था अच्छा नहीं लगता था लेकिन अभी समय में जब बच्चे हैं एंड देर लाइक होम एंड देर लाइक अरे मम्मा ये बनाओ मम्मा तो अभी खुद का डिसीजन है एंड यू इंजॉय कुकिंग यू लुक एट दूट यूट्यूब वीडियोज़ एंड यू कुक यही डिफरेंस हुआ ना कि जो भी आप पे थोपा हुआ है वो आपको नहीं अच्छा लगता आप यू टेन टू रेजिस्ट और जो आप खुद से सोच के करते हैं खुद का डिसीजन लिया हुआ रहता है वो अपना डिसीजन लिया हुआ रहता है तो मैनेजमेंट का प्रोसेस में जो है जब उसको वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ होता है तो एम्प्लॉय को लगता है कि ये तो हमारा डिसीज़न है तो द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड द कमिटमेंट टू दैट कम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ इज़ मच हायर इससे क्या होगा इससे एमसेंटिजम कम होगा लोगों का टर्नओवर कम होगा लेबर टर्नओवर होता है जो लोग छोड़ के काम चले जाते हैं ये कम होगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा एंड दिस विल लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अवॉइड अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट देखिए क्या है ना कि एज़ पर आई डी एक्ट आप पढ़ेंगे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और इंडस्ट्रियल uh, जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए वर्क्स कमिटी काउंसिलेशन ऑफिसर काउंसलिएशन बोर्ड दैन देर इज़ लेबर ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल ये सारा चीज़ बना हुआ है ठीक है एजुकेशन का होता है आर्बिट्रेशन होता है क्रिवांस हैंडलिंग होती बहुत सारी उन्होंने मशीनरी बना के रखे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करें लेकिन है क्या कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना ज़रूरी हो सके हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ही नहीं लें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करे हम लोग अपने में अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें ठीक है देनिश uh, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होगा कि डेमोक्रेसी इज लाइक यू नो पीपल आर मोर फ्री वो लोग प्रॉफिट शेयर कर सके मैनेजेरियल का पार्ट बन सके देन सोशलाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बाई इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट ये बोला क्या पहले वाले में इन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को या स्टेट को इसमें एम्प्लॉय नहीं करो कि भैया हमारे में लड़ाई हो रही है आप देखो हम इसको तो कैसे लड़ाई सॉल्व किया जाए बल्कि एज एम्प्लॉयर उनको देखो जहाँ पे पब्लिक public... एस यूज़ आते हैं पब्लिक वाले जो गवर्नमेंट वाले आते हैं तो वो काफ़ी फंड्स लेके आते हैं ठीक है तो हम आईआर बेस्ट तरीके से एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू क्री डारी कल डी इंडस्ट्रियल रिलेश लार्ज स्केल बाय द फॉर्म ऑफ पोलिटिकल गवर्नमेंट इट हैजे फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पोलिटिकल गवर्नमेंट राइट जैसा वो बोलते हैं कि जैसा पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है तो वो बोले कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आई आर तब क्या होगा पहला इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स को आप बढ़ाएं दूसरा स्टेट ले ये वाली अथॉरिटी uh, या ये वाली यू you नो know, ये कंट्रोल लें कि हम लोग हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस रखेंगे प्रमोट करेंगे अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशंस दैन वो सोशलाइजेशन और रैशनलाइजेशन बनाने को बेसिकली बनाने की कोशिश करेंगे कि लोग सोशल है रैशनली थिंकिंग think, हो ताकि देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट इज बेस्टिंग ऑफ द प्रोपराइट विद इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द इन द इंडस्ट्रीज इन विच दे आर इम्प्लॉयड कि जो भी वर्कर्स uh, जो काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ का शेयर्स खरीद सकें दैट इज़ इट नाउ वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन दिस विच वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग बट देन अगेन गोइंग बाय द नोट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स क्या हुआ कि देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन आया था इम्प्लॉयर इम्प्लॉयर की एसोसिएशन इम्प्लॉय इम्प्लॉय की एसोसिएशन गवर्नमेंट ये सारे लोग आए थे राइट right, साथ ही साथ कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स वगैरह वो सब भी आए थे सबसे पहले की बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी का डिस्प्यूट होता है एक किसी को मान लीजिए ट्रेड यूनियन का किसी वर्कर को मैनेजमेंट के किसी एम्प्लॉय से डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय से अब अगर ये डिस्प्यूट अगर होता है तो ऑब्वियसली ये ट्रेड यूनियन वाले के पास जाएंगे ट्रेड यूनियन वाले फिर रेगोसिएशन वाले के पास जाएंगे या जो भी है एक लंबा प्रोसीजर है जहाँ पे कलेक्ट या काउंसलेसन ऑफिसर आते हैं वो कोशिश करते हैं काम करने का नहीं होता है तो फिर वो लोग काउंसलेशन बोर्ड स्टैब्लिश करते हैं वो नहीं होता है देन दे गो टू तो द वेरियस ट्रिब्यूनल्स वो नहीं होता है तो लास्ट में नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं अगर नेशनल इंटरेस्ट का क्या है ना कि अगर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होता है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है जो कि सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि जितने दिन तक ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा उतने दिन तक वो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा उतने दिन तक वैसी प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए वो काम कर भी रहा है तो उसकी वैसी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और एम्प्लॉयर जो ऑलरेडी uh, जो कोर्ट वगैरह की लेबर कोर्ट और काउंसिलेशन बोर्ड के चक्कर काट रहा है उसको ऑलरेडी उसको भी एक यू नो दिस बी अ हिंज इन द बैक ऑफ हिज माइंड सो व्हाट विल हैपन इज़ कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन चाहे वो एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉयी का हो प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय किसी का भी प्रोडक्शन डिक्रीज़ करता है तो एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा तो एक अगर गुड द इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्रियल पीस बना रहे और अगर इंडस्ट्रियल पीस प्रॉपर रहे तो दे बी इंक्रीज प्रोडक्शन रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अगेन इफ़ दे आर प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सब में बहुत अच्छी माधुर्या वाली यू नो फीलिंग है एंड एवरीबडी इज़ गोइंग रियली डूइंग रियली वेल एंड देरिंग ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड देन देर ट्राइंग टू सॉट इट आउट अमंग दम सेल्स दे ट्राई टू मेन्टेन यू नो दोशल रिलेसनशिप एंड दे ट्राई टू गेट थिंग्स डन वाईच अदर तो इससे क्या होगा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम करेगा अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम हम तो ऑब्वियसली स्ट्राइक या लॉकआउट्स जो वगैरह जो भी है वो सब कुछ भी नहीं होगा कहीं भी आपस में मन मुताव नहीं होगा डिस्प्यूट नहीं होएगा तो क्या होगा इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी कंडूसिवर वर्क वन जहाँ पे सब मिलजुल के अच्छे से काम करना चाहेंगे हाई मोरल obviously agar good industrial relationship hai everybody is working everybody is good there is happiness there is friendliness to kya hoga the person who survive if then there is a new person who joins the organization he is like acha yahan pe to sare demands fulfill हो जा रहे हैं reasonable सब चीज़ अच्छे से काम हो रहा है trade unions का जो भी है लॉ सब चीज़ फॉलो हो रहा है जो भी जितने भी लॉज बनाए हुए सरकार ने वो सारे फॉलो हो रहे हैं तो क्या होगा इससे ना इंडस्ट्री के जो इम्प्लॉयिज़ हैं उनका मोरल हाई रहेगा दे वुड वॉन्ट टू वर्क दे वुड वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या होगा दूसरा सब अच्छे से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो वेस्टेज है वो कम होगा वेस्टेज सब चीज़ का कम होगा रॉ मटेरियल्स का मैन पावर का कॉस्ट का क्योंकि आपस में कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं काम लगातार चलते जा रहा है तो मैन पावर बैठ के टाइम पास नहीं कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो मैन पावर कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल आप ला रहे हैं इट इज टू अटमोस्ट यूज सी पीपल्स मोरल इज हाई दे आर मोटिवेटेड दे डू द बेस्ट जॉब नो मैटर व्हाट यू डूज दे बेस्ट जॉब इफ यू आर हैप्पी यूल डू द बेस्ट थिंग फाइन एंड अल्टीमेटली अगर ये सारा चीज़ अच्छे से चलता रहे तो इट लीड टू द economic ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अभी हमने पढ़ा कि आई क्या होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है पार्टीज़ कौन कौन आई में होते हैं अभी देखिए हमने पढ़ा कि आई अच्छा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए लेकिन आई खराब तो होता है क्यों खराब होता है तो दे आर वेरियस फैक्टर्स विच कॉजेस पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स इससे पहला है इकोनॉमिक कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेस क्या होता है ऑफिन सी ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू मनी जितना भी चीज़ आपके मनी से रिलेटेड हो वो इकोनॉमिक कॉजेस में आएंगे अभी अगर आपका वेज पे आपको हो रहा है आपका वेज है कि सात तारीख तक आपको पैसे मिल जाने चाहिए या दस तारीख तक पैसे मिल जाने चाहिए लेकिन आपके बीस तारीख तक वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं आपको अपना घर चलाना है आपस में मनमुटाव हो गया then you are entitled to certain employment benefits, certain fringe benefits. they are denying you that, they are not giving you that. ठीक है तो कुछ तो चीज़ हो गया तो उनको एज पर लॉ उनको देना ही देना है तो उसमें भी कच कच, -कच, -कच करके दे रहे हैं या पुटिंग in लॉट ऑफ इफ बर्ड्स प्रोस कॉन्स उसके बाद वो लोग दे रहे हैं तो क्या होता है आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो क्या है कि नहीं भैया प्रॉब्लम मत क्रिएट करो जैसा काम करो मैं सही समय पर सब चीज़ कर दूँ तो ये जितने भी जो अगर आपके पुअर वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस है जिसके कारण आपस में मन मुटाव अगर हो जाता है तो इकोनॉमिक कॉजेज़ आता है और आपस में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का यहीं पर ख़त्म होना स्टार्ट होता है और कॉन्फ्लिक्स यहीं से बिगिन होता है आपके प्रो, प्रो ये प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज होते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स होते हैं आपका वेजेस से कुछ डिस्डक्शंस होते हैं अगर मान लीजिए प्लांट है जिसमें प्लांट एज इन द मशीनरी इन विच आर वर्किंग उसका पुअर लेट लेआउट है अनसेटिसफैक्ट्री मेंटेनेंस है तो ये सारे कंडीशंस जो होते हैं इकोनॉमिक अंड्रेस को डेवलप करते हैं वो क्या है कि उनको समय पे नहीं मिल रहा चौबीस तारीख तक तो मान लीजिए आपका आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं सात से या दस से को उनको पैसे देने हैं वो जाके ना आपको चौबीस को पैसे देते हैं आप मांग रहे हैं आप मांग रहे हैं आप अपने हक के पैसे मांग रहे हैं जितना दिन आपने काम किया आप उसके पैसे मांग रहे हैं। उसका पैसे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं बट वोट दे दिया डिनाई तो क्या होता है आपस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये चीज़ अगर कंटिन्यू करता जाए तो ये बढ़ता चला जाता है साथ ही साथ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप प्रमोशन नहीं के मान लीजिए किसी का प्रमोशन होने वाला है एंड ही इज गोइंग टू गेट सम बेटर पोजिशन तो पर्सन को प्रमोशन नहीं दे के उस एम्प्लॉय के किसी रिलेटिव को मतलब या या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर है उसे किसी रिलेटिव को वहाँ पर रख देते हैं तो क्या होता है आपस में रिसेंटमेंट होता है वन क्वेन क्वेश्चन दैट आई हैव बीन वर्किंग इन ऑर्गनाइजेशन फॉर पास थर्टी ईयर्स एंड राइट ना आई वॉज एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट यू आर टेंडिंग समबडी एल्स इन बट दो नॉट मच ऑफ दिस थिंग एक्सपीरियंस फॉर वट एवर इट इज बट एंड इवन इफ दे हैव द एक्सपीरियंस आई एम इंटाइटल टू दिस कंपनी देन वाई आर यू गिविंग इट टू समी एल्स तो वो द इम्प्लॉयस इज मेरी मर्जी हाउ मेरी मर्जी तो इसमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्स शुरू हो जाता है ठीक है तो वो आपस आप में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है तो ये वाले चीज़ डील करने के लिए आपका वेरियस सेटलमेंट अथॉरिटीज़ बने हुए हैं देन देर ऑर्गेनाइजेशन काजेस ऑर्गेनाइजेशन काजेस क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है अभी क्या ना टॉप मिडिल लोअर मैनेजमेंट होता है हर एक का एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है टॉप मैनेजमेंट ने कुछ बनाया कुछ सिस्टम कुछ नोटिस दिया लोअर मैनेजमेंट तक पहुँचा ही नहीं कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉब्लम है अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो किए जा रहे हैं एज एन जैसे आपको पता है कि प्रमोशन की जगह किसी और को रख दिया ट्रेड यूनियंस के बात नहीं सुन रहे वो लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस बोल रहे हैं कि भैया नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट कहीं कहीं जो होता है कि वो लेबर लॉज जो भी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सो वॉट इज हैपनिंग इज दे आर वेरियस लेबर लॉज विच आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड दे आर वेरियस इंस्पेक्टर्स विच आर अपॉइंटेड टू चेक विदर दीज लेबर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड ना यू अंडरस्टैंड अंडरस्टेंड दिस वे हमारे यहाँ ट्रैफिक लॉज है ना आपको वो येलो लाइट के पीछे येलो जो बनाई हुई है क्रॉसिंग उसके पीछे रहनी है ट्रैफिक रूल फॉलो करना है हेलमेट लगाना है सीट बेल्ट लगाना है वॉट इज इट इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी इट इज़ नॉट फॉर द ट्रैफिक पुलिस मैन सेफ्टी वो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एकदम मे का दोपहर में बीच में खड़े होकर लेफ्ट राइट बोल रहा है उसका काम तो नहीं है बट व्हाट वी डू इज दे ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ बट समाइम पीपल ट्राई टू यू नो अच्छा रात है ना अब बेल्ट नहीं लगाते दिखता थोड़े अच्छा ट्रिपल राइट कर रहे हैं ना एक काम करते हैं चौक से पहले उतर जाते हैं चौक के बाद क्रॉस करिए फिर बैठ जाएंगे तो क्या है ये सब गलत है ये सब लॉज नहीं ठीक से अब अब ये लेबर लॉज में है कि मिनिमम वेजेस देना है पेमेंट ऑफ वेजेस देना है सारा चीज़ करना है तो कभी कभी क्या होता है लोग कभी कभी ट्रेंड टेंट टू चीट तो क्या होता है ये सारे चीज़ें जो होती हैं डिस्प्यूट के रीज़न बन जाते हैं देन सोशल कॉजेज सोशल कोजेज़ में क्या हो जाता है कि यू नो दिस इज़ डिसटिस्फेक्शन जो जॉब जो कर रहा है उसे वो खुश नहीं है उसका पर्सनल लाइफ में कहीं पे आके पर्सनल वो जाके इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लैक्स में जाके मिल जाता है यू you नो know, वो जो जॉब जो होता है उसको इंटरेस्ट नहीं करता है देखिए जब हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं और सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग वी फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वी ट्राई टू डू एवरी थिंग विच इज़ सपोज टू बी राइट बट वॉट हैपन्स इज समबडी जॉइंस दी ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द प्लेस ही इज और ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गेट्स तो क्या होता है कुछ दिन तो काम करता है लेकिन धीरे धीरे असेंस ऑफ जॉब डिससेटिस्फ़ैक्शन क्रीपिनटू है जब डिससेटिस्फ़ैक्शन होता है तो एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है चिचड़ा रहे आदमी घर में रहे अगर सब चीज़ अच्छे से रहे तो अच्छे से चलता है चिचड़ रहे तो यूजलेसली काफ़ी लड़ाई हो जाती है होता है ना सबके साथ होता है आप चिचड़ा के कॉलेज से वापस आ रहे हो मम्मी से लड़ाई हो जाती है कि नहीं हो जाती है फॉर नो रीज़न इवन इफ शीज ट्राई टू मेट मेक बेस्ट फूड फॉर यू और देर इज़ योर सिबलिंग इज़ देर तो जबरदस्ती की लड़ाई हो जाती है तो ये जब अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जबरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट में ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज साइकोलॉजिकल कॉजे क्या है जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब मुझे पता है कि मेरी जॉब नौकरी कोई नहीं लेगा ये जॉब सिक्योरिटी हुआ लेकिन क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आदमी काम कर रहा है तो उसको ये पता ही नहीं है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो देन यू नो दैट योर जॉब इज़ नॉट गोइंग टू बी टेकन बाई समबडी एल्स हैप्पी सेटिसफाइड गुड एवरीथिंग गुड गुड चलो अच्छा है। लेकिन क्या होता है जब आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं द सेंस ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी उसके बाद होता है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं आदमी करता है काम कर रहा है परफॉर्म कर रहा है आपका जो जितनी भी आपकी मेहनत है क्रेडिट कोई और लेके चला जा रहा है देन आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप में ये एक कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट का रीज़न बन जाता है देन दे आर राइवलरीज यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेड यूनियंस फॉर दिस क्या होता है ट्रेड यूनियन ओज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ वर्क टूगेद गेट रजिस्टर्ड एंड फॉर्म अ ग्रुप अभी क्या होता है जैसे स्टूडेंट्स यूनियंस में होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुंसिस होते हैं उसी ट्रेड की तरह ट्रेड यूनियन में पोलिटिकल इन्फ्लुंस होते हैं साथ ही साथ सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं होता बल्कि मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होते हैं तो जब मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होते हैं तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है प्रॉब्लम हो सकता है तो ये पॉलिटिकल काजेज जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो आके के जब इन्फ्लुएंस करने लगती हैं ट्रेड यूनियन के इलेक्शन को या काम करने को तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है तो अभी क्या करना है भैया अब तो हमें अगर हमें क्या करनी है सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट और ये डिस्प्यूट होना है ना सबसे पहले क्या करना है क्यों अगर जब कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होगा तो तो मेरा काम तो जा होगा ना माई माई वर्क विल नॉट बी डन मेरी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी पे कर, असर पड़ेगा तो लेकिन देर आर रीज़न्स दे आर रीजन जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है तो भैया हम क्या करें जो हमारी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहे कि हमारे यहाँ कभी लड़ाई वगैरह जो झगड़ा है वो नहीं रहे पीपल कोऑपरेट विथ ईच अदर एंड डेड डू गुड जॉब तो दे आर सर्टन प्रिंसिपल देर सर्टन पॉलिसीज़ विच आर गि सर्टन सजेशन बेसिकली विच हैव बीन गिवन बाई वेरियस पीपल टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इसमें पहला है साउंड पर्सनल पॉलिसी पर्सनल मीनिंग ह्यूमर एच आर तो जो साउंड uh, आपका पर्सनल पॉलिसीज़ हो जितने भी एच आर वाले पॉलिसीज़ हो वो बहुत एकदम पक्के होने चाहिए अगर प्रमोशन होना है तो वो जो आदमी जो दस साल बीस साल काम करना उसी का प्रमोशन होना है अगर इम्प्लॉयर के रिलेटिव आ जाते हैं उनको हम लोग जगह नहीं देंगे वी विल नॉट पे इट टू देम साथ ही साथ जितना भी आपका जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बन रहे हैं चाहे वो ट्रांसफर के हो प्रमोशन के हो कंपनसेशन के हो इकोनॉमिक कॉजेज़ तो यही थे ना कंपनसेशन आपका वेजेस वगैरह से जो रिलेटेड हो वो सारा चीज़ एकदम फेयर होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉयी को पता होना चाहिए अगर फेयर और ट्रांसफर एंड ट्रांसपेरेंट है और हर एक एम्प्लॉयर को पता है हर एक एम्प्लॉय को भी पता है इतने सही तरीके से सब काम काम चल रहा है तो लड़ाई नहीं होगी अगर फेजेस मिल रहे हैं तो सबको कैसे मेजर्स मिल रहे हैं ये पता है अगर काम प्रमोशन हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है किस रीज़न से ट्रांसफर हो रहा है किस रीज़न से प्रमोशन हो रहा है सबको पता है तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा नेक्स्ट इज़ द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो हमने आपको बताया था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होता है अभी क्या है लोग खुश हैं भैया अभी तो क्या है कि वर्कर्स एम ये वर्कर्स और यूनियंस दोनों मिलके किसी भी एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं बना भी रहे हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि अब उन पर थोपा नहीं हुआ है दोनों मिल के बना रहे हैं दोनों मिल के साथ में काम करेंगे देन क्या होगी लड़ाई कम होगी कॉन्फ्लिक्ट कम होगा डिस्प्यूट कम होगा रिस्पॉन्सिबल यूनियंस यूनियंस जो ट्रेड यूनियंस जो बनते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल है एक स्ट्रॉन्ग यूनियन जो होता है एक एम्प्लॉयर का एसेट हो जाता है ये एक बहुत बड़ा एसेट इसलिए हो जाता है कि ये स्ट्रॉग ट्रेड यूनियन होता है और उसमें समझदार लोग होते हैं और ये समझते हैं कि अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे अब आप ना पुरानी कोई भी आ, अमिताभ बच्चन की मूवी लेके देखें उसमें आपको सारे जो पुराने ज़माने में जो ट्रेड यूनियंस होते थे यूनियंस वाले लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे काम नहीं होगा या फिर जो पहले की मूवी सेवेंटी सिक्सटीज़ की मूवी जो आप देखिएगा उसमें सारे जो उस समय के जो इश्यूज थे उसी के बेस पे सारी मूवीज़ बनी रहती हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ अगर ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम हुआ कहीं कहीं मालिक बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे तो बंद हो गया बंद हो गया लॉकआउट कर दिया उन्होंने लॉकआउट कर दिया तो ऑब्वियसली दीपल हुआ दिया यू नो वर्कर्स हुआ दिए वो डेली खाने कमाने वाला आदमी लोग वो लोग एकदम भूखा मर जाएगा ना तो अगर रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन है वो लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली इधर उधर पचड़े में पड़ने से अच्छा है पॉलिटिकली अगर वो जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है उनके ट्रेड यूनियन को वो स्ट्रॉग करता है लेकिन वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करने ना जाए वो अब वो ये समझें कि अगर स्ट्रांग ट्रेड यूनियन रहेगा तो फिर और हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग सही काम करेंगे तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बढ़ेगा नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर वेलफेयर देर आर वेरियस लॉज विच हर बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे लेबर लॉज हैं उसमें आपके फैक्ट्रीज़ एक्ट हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट है और बहुत सारे वर्क में कंपनसेशन एक्ट है जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में ही है तो उसमें दिया हुआ है कि आपका वेलफेयर हेल्थ सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स के लिए क्या क्या प्रोविजन्स होने चाहिए साथ ही साथ उनको एनुअल लीव कितना मिलना चाहिए वीकली हॉलीडेज उनके कितने होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड रूम क्रेशेस एंड ऑल स्टफ़ हैज़ बीन गिवन एज़ पर द एम्प्लॉय वेलफेयर तो ये जितने भी दिए हुए हैं इन सब कोई का पालन जो है इम्प्लॉयर्स को सही तरीके से करना चाहिए और अगर एम्प्लॉयर्स अगर इम्प्लॉयी के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे और इम्प्लॉयी को देगा कि मेरे सब काम की चीज़ें हमें मिल ही रही हैं तो हम यहाँ काम करने हैं हम काम करते हैं हम लड़ाई क्यों करेंगे नो कॉन्फ्लिक्ट सिंपल नेक्स्ट इज द ग्रीवेंस प्रोसीजर दिस इज़ अनदर टॉपिक विच एल टेक अप इन वन ऑफ द अदर लेक्चर्स हमेशा जब ये ग्रीवेंस होता है ग्रीवेंस क्या होता है कि जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो मेरे मन में कुछ ग्रंजेस रह जाते हैं मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको ग्रीवेंसेस बोलते हैं इस ग्रीवेंसिस को हम लोग जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुई या यहाँ डिस्प्यूट हाँ, हाँ, हुआ तो हमारे मन में जो फीलिंग रह जाती है उसको हम लोग ग्रीवेंस कहते हैं इस ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी बनाई हुई है इसको हम लोगों डिटेल में डिस्कस करेंगे इन वन ऑफ माई लेक्चर्स इन आफ्टर दिस हम ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर पर सारा लेक्चर डाल देंगे यू कैन गो थ्रू इट तो एक ग्रीवेंस हैंडल प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड मतलब हमको एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना है ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाले ना सोचें ये मैनेजमेंट वाले भी सोचें और साथ ही साथ इंप्लॉयज़ वाले भी सोचें तो इंप्लॉयज़ वाले भी सोचेंगे तो अच्छी बात रहेगी बोलो दोनों का कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूट है तो फिर उन लोगों को लगेगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन बेहतर कर रहा है तो वर्कर्स का भी ग्रीवेंसेज सॉल्व हो रहा है और कस्ट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी हो रहा है इक्वल पार्टनर्स एंड तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनता है देन देर शेड भी प्रॉपर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑलरेडी ऑल इन प्रीवियस लेक्चर्स रिपीटिंग अगेन कम्युनिकेशन वही होता है जब आपका कम्युनिकेशन इज़ टू वे हम कुछ बोल रहे एम्प्लॉयर कुछ बोल रहा है और एम्प्लॉय को समझाने की कोशिश कर रहा है भैया देखो ऐसा हमारा रूल्स एंड रेगुलेशनस है ये पॉलिसीज़ है ये काम है तो उस तरह को कोलेज करना है कि भाई हम समझ गए अगर वो समझ जाता है तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी तो प्रॉब्लम नहीं होएगा दैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्पोर्टेट टू द एम्प्लॉयज़ प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग्स एम्प्लॉज को पता होना चाहिए सो दैट दे नो दैट वॉट आर द इ्लीगल स्ट्राइक्स लॉकआउट इलीगल ले ऑफ्स एंड रिट्रेंचमेंट्स और साथ ही साथ वो अपने हकों के बारे में भी अच्छे से जान लें दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप लेकिन अभी क्या हो रहा है एज ऑफ टूडे द कॉन्सेप्ट इज शिफ्टिंग फ्राम इंडस्ट्रियल रिलेशन टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ रहा है इंडस्ट्री देखिए क्या ना बेसिकली सब्सिट्यूट के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ऐसा होता है कि जो इम्प्लॉय इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में एक इंडस्ट्री का बारे सिर्फ आप बात करें जब आप इम्प्लॉयी रिलेशनशिप बोलते हैं तो आप इम्प्लॉयी के बारे में बात करते हैं इम्प्लॉयी का बाकी लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप चल रहा है ठीक है एम्प्लॉयर का किसके साथ रिलेशनशिप चल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द बिटवीन अदर बिटवीन द इम्प्लॉयज एंड द इम्प्लॉयज़ ठीक है आई इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है द एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रोग्राम्स होते हैं विच प्रोवाइड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ सारे को फेयर ट्रीटमेंट देते हैं जो अपने काम के लिए कमिटेड हैं अपने कंपनी के लिए लॉयल हैं और ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है जैसे आपने हमने यहाँ आप पढ़ा जो इसका आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता है इंडस्ट्री का सारा रिलेशंस देख रहा है एम्प्लॉ रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयी का सब देख रहा है कि बाकी के साथ कैसे रिलेशनशिप जा रहे हैं बेसिकली अ टर्म विच हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है देखिए पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशनशिप जैसे हमने बताया ऐसे समझे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आपने बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आया था वर्ल्ड वॉर टू के समय में ठीक है कि जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इट बिकम्स ए सोशल साइंस और जो वर्क रिलेशन प्राइमरी बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में आता था लेकिन जब एम्प्लॉय इंप, रिलेशनशिप आता है तो अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नो लॉन्ग अर प्रलेंट ड्यू टू द वाइड स्प्रेड ऑफ डिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलप इकोनॉमीज एंड डिक्लाइनिंग यूनियन मेंबरशिप्स ठीक है अभी उतना यूनियन मेंबरशिप भी डिक्लाइन कर रहा है आपका डेवलप इकोनॉमीज में जो इंडस्ट्रियलाइज भी डी इंडस्ट्रीज भी डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस लोग एम्प्लॉय रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत यूनियन और नॉन यूनियन वर्कर्स के लिए इम्प्लॉय किया जाता है और साथ ही साथ द एम्प्लॉयज दे हेल्प टू मैनेज होप टू मैनेज द एम्प्लॉय रिलेशनशिप सक्सेसफुली विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल सो दैट द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीज उसके बाद देखिए क्या होता है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेलीकेट एंड कॉन्स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इम्प्लॉयज़ का आपका बारे में सोच रहे हैं इसलिए आप इंटरेस्ट इज टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज डेली यूडो सेट दैट इट इज़ अ टर्म

कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होती है वो इंडिविजुअल एज वेल एज़ कलेक्टिव रिलेशन होती है इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में हुई दूसरी कलेक्टिव रिलेशन जो ट्रेड यूनियंस या फिर एम्प्लॉय एसोसिएशन के बीच में हुई उसमें आ जाता है फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कॉन्सेप्ट बोलो बोलता है जो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत मल्टी डे होता है इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और ये लोग चारों तरफ से आपको काम करने की कोशिश करते हैं देन uh, आपका नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज अ डायनेमिक एंड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट सी दिस इज वन थिंग विच सेड इन ऑल माई वीडियोज रिपीटिंग इट अगेन जो भी हम लोग इंडस्ट्री काम कर रहा है एनवायरमेंट में काम कर रहा है इन्वामेंट में देर इज चेंजेस विच आर कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस राइट अभी क्या है ना हर एक जन को अपने आप को एम्प्लॉय के साथ जो सॉरी चेंज इन्वायॉर्मेंट के साथ डील करने का है। तो जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं इन्वायरमेंट में उसको ना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस लाना जरूरी है तो अभी आप जब एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बेहतरीन करने के लिए एम्प्लॉय को बेहतरीन करने के लिए आप बात करते हैं तो जो भी नया चेंजेस आ रहा है उसको आपको अपने में अडाप्ट करना है अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल और डायनामिक बना के रखना है इंडस्ट्री को कि जो भी नए चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू द एम्प्लॉय दे दे एक्सेप्ट दैट ऑल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे से दैट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and employer employee relationship see this it is something basically this one of the statement of my uh, videos you can go through which is hrm wala ठीक है आप ये सोचे वही डिफरेंस जो एच आर एम और पर्सनल मैनेजमेंट में हो गया पर्सनल मैनेजमेंट में लिखा जाता था पुराने ज़माने का है पर्सनल मैनेजमेंट देखा जाता था तो सिर्फ ना वर्कर्स को एज रिसोर्स देखा जाता था कि बच्चे वो काम कर रहे हैं उन्हें एज uh, uh, उनको न रॉ मटेरियल टाइप देखा जाता था उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाता था लेकिन जो जो एच होता था एच जो है या एच जो है उसमें ना आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के के एम्प्लॉज को एज ह्यूमन रिसोर्स नहीं देखा जाता बल्कि उनको एक एसेट की तरह देखा जाता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं और आप सिर्फ उनके लिए पैसे के लिए बात नहीं करते आप उनके ओवरऑल डेवलपमेंट क्या बात करते हैं उसी इंडस्ट्रियल तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का रिलेशन में जाते हैं लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है इम्प्लॉयी रिलेशनशिप का है जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है अभी इम्प्लॉयी का रिलेशनशिप सबके साथ कैसा हो अच्छा हो उसका डेवलपमेंट हो वो अच्छे से चले अच्छे से काम करे इट इज़ बेसिकली एम्प्लॉय सेंट्रिक उस तरह जाते जा रहा है नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप डो नॉट फंक्शन इन वैक्यूम दैट इज़ दे डो नॉट फंक्शन इन वैक्यूम उनको जो होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट कर वो कॉम्प्लेक्स चलता है सारा एटीट्यूज एंड अप्रोचेज टू अर एम्प्लॉज एम्प्लॉज टूर्स यी जाता वो सब देखा जाता है दैन दे आर वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कैपिटल सोशलस्ट इकनॉमी या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ये सारे चीज़ आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो जाते हैं लेबर लेजिस्लेचर इम्प्लॉ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन सोशल इंस्टीट्यूशन आपकी कम्युनिटी कास्ट जॉइंट फैमिली ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाते हैं जो इम्प्लॉयी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है देन दे आर सेविल पार्टीज़ विच आर इन्वॉल्व सारे एसोसिएशन जो और गवर्नमेंट्स होते हैं ये सारे इंपॉल्व हो जाते हैं एंड द मेन पर्पज़ क्या है इम्प्लॉय इम्प्लॉय रिलेशनशिप का टू मेनटेन अ हारमोनियस एंड अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर एंड द फोकस क्या है द फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप इज़ ऑन द अकोमोडेशन कि वो लोग अच्छे से रहें पार्टीज जो इन्वॉल्व है अपना स्किल्स डेवलप करें मेथड्स डेवलप करें ताकि एक दूसरे कोऑपरेट करके और अच्छे से रह सके उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ सके कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कलेक्टिव के थ्रू बढ़ सके और ये जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हर एक में बहुत से इफ़ देर इज अ रिलेशनशिप देर हैज़ टू बीट हैज टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो एवरीवेयर लेकिन उसी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस को और अच्छे से लेके चलना उसी में बेहतरीन तरीके से ढूंढना देट इज़ एम्प्लॉय रिलेशनशिप अभी क्या हो रहा है अभी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रल रिलेशन टू वर्ट टू इम्प्लॉय रिलेशनशिप्स इम्प्लॉय रिलेशन वाई एज आई सेड अर्लियर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज मोर कंसिडर्ड विद द रिलेशनशिप ऑफ द पीपल विद इन द इंडस्ट्री एज इट गो द कॉन्सेप्ट गोज बैक टू वे बैक टू टू द वर्ल्ड वॉर टू का जमाना एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो एकदम अभी का है क्योंकि बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एकदम आपका अगर लेबर मैनेजमेंट और प्रॉपर इंडस्ट्रियल हारमोरी नहीं है ना तो चलेगा ही नहीं तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट दर इज ग्रुड रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लॉयज़ एंड इम्प्लॉयज़ इसलिए वो लोग बोलते हैं डेला योडर का दिस डेफिनेशन वो ऑलरेडी सेट बिफोर कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से काम करके सब अच्छे से रहें तो इन ब्रॉड टर्म्स इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लॉय इम्प्लॉयज़ एंड द वेरियस नो इट इंक्लूज इंडिविजल रिलेशनशिप भी और जॉइंट कंसल्टेंसी भी बिटवीन इम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ताकि वो लोग जो वर्क कर रहे हैं कलेक्टिव रिलेशंस कर रहे हैं स्टेट यूनियंस हो रहे हैं सब बेहतरीन के लिए काम कर सके वो लोग एक साथ बैठते हैं देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है और सबको सॉल्व करने की कोशिश कर सब में गवर्नमेंट को डालने की कोशिश नहीं करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आई एल ओ डेट इज इट दे से दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कंप्राइज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स या स्टेट होगा आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक स्टेट होगा ऑन द वन हैंड

फ़र्स्ट ये है कि जो इम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इट इज़ द आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन अ कंट्री सॉरी इन एन इंडस्ट्री क्या है कोई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसेंशियल फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ठीक है क्योंकि इंप्लॉय रिलेशनशिप पढ़ना है तो हम लोग सबसे पहले उनका रिलेशनशिप इज बिकॉज ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच दे आर वर्किंग ठीक है सेकेंड दो ये एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है और कलेक्टिव रिलेशनशिप भी होता है जब एसोसिएशन के बीच में होता है चाहे वो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन हो या फिर यहाँ पर स्टेट भी आ सकता है तीसरी चीज़ बोलते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप वो बहुत तक कॉम्प्लेक्स होता है एंड द कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है कि सिर्फ ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय इधर में ही जाए वो पूरा वेब है सब एक दूसरे के से अफेक्ट हो सकता है सब एक दूसरे के साथ मिलकर सबको को काम करना है देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इज़ अ डायनेमिक एंड डेवलपिंग कॉन्सेंट दिस आई ऑल्सो टोल बिकॉज वर्किंग एनवामेंट दे हैव टू एडजस्ट दे हैव टू चेंज इफ दे डोंट चेंज दिल पेरिश उनको एडजस्ट करने का ही है ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें नेक्स्ट इज देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द आई uh, आर क्योंकि एक जो आपका आई आर है वो दिस वॉज बेसिकली बिटवीन कंसर्न विद द इंडस्ट्री ओनली लेकिन इम्प्लॉयी रिलेशन जब आता है तो एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट को वो देखते हैं देन इट के नॉट ओपन दिस दिस थिंग वॉल री डिस नाउ दे आर थ्री मेन पार्टीज और आउटलेट्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एक एम्प्लॉयर्स आपके हो गए इंप्लॉयर्स क्या करेंगे दे गिव सर्टन टू द लेबर उनको हायर करेंगे और फायर करेंगे जो उनकी मर्ज़ी पे और ट्राई करेंगे कि हम उनका इकोनॉमिक डेस्टिनी कंट्रोल करें ठीक है लेकिन आ, ऐसे में करने से ना अगर ठीक से नहीं करें ना तो स्ट्राइक्स हो सकती है लॉकआउट हो सकती है और वो लोग अच्छे से लॉफुली उनके हेल्थ वेलफेयर सेफ्टी वगैरह के बारे में सोचें तो देर बी कमिटमेंट बी मोटिवेशन एंड देर विल प्रॉपर एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स दर्कर्स विल बी मोटिवेटेड एंडफ सो दैट दे कैन वर्क एंड दे प्रॉपर वर्कर्स यू नो पार्टिसपेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज के अपने ग्रीवेंसेज होते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन काम करने के होते हैं उनको ट्रेड यूनियन लगता है कि उनको अगर ट्रेड यूनियन के हिसाब अगर वो लोग ट्रेड यूनियन के मेम्बर रहेंगे तो उन पर और ज़्यादा वो लोग यू नो ज़्यादा फोर्स से मतलब अगर आप अकेले हो और आप मैनेजमेंट से लड़ने जा रहे हो तो आपको वो लोग नो दे कैन शू यू अवे लेकिन आप ट्रेड यूनियन के मेम्बर और ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ जाके लड़ सकता है इसलिए उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है देन गवर्नमेंट इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि आप जो भी एक्ट पढ़िएगा द लॉड्स ऑफ एक्ट विच आर गिवेन एंड आप जो भी एक्ट पढ़िएगा सब में ना एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है जहाँ भी ऑपरेट कर रहा है वहाँ पर कौन से रूल्स और कौन से गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे अथॉरिटीज़ वो बहुत ज़रूरी है तो सारे का इंडस्ट्रीज में जनरली स्टेट गवर्नमेंट ही करती है लेकिन दे आर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सारे बनाती हैं तो आ, तो गवर्नमेंट क्या होता है गवर्नमेंट काम करते हैं ताकि अच्छे से यू नो प्रॉपर वेलफेयर ऑफ द पीपल नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन इज ग्रीवेंस एंड हैंडल सही होना चाहिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होना चाहिए एथिकल कोड एंड डिसिप्लिनो फॉलो प्रॉपर कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए सही स्टैंडिंग ऑर्डर्स होना चाहिए एंड मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विच इज गिवन इन द आइडिया एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन इसमें सेवन मेजर्स ऑफ एम्प्लॉय इन यू नो एम्प्लॉय्प्रूविंग एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक सेम जो आपका ने वहाँ पढ़ा था वहाँ पे साउंड पर्सनल पॉलिसीज़ थे यहाँ पे साउंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो पर्सनल वो लोग लो हमेशा बोला करते थे अभी ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है तो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहिए जितना अभी प्रमोशन वगैरह सब फेयर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए उनको लोगों को बुला के दे शुड रिकोगनाइज देम उनको एकदम शो अवे नहीं करना चाहिए यूनियंस वगैरह सबको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कलेक्टिव बारगेनिंग होनी चाहिए जहा कलेक्टिव बारगेनिंग लेक्चर बार्गेनिंग गिव यू द एंटायर डिटेल ऑफ हाउ कलेक्टिव बारगेनिंग गोज बदर देर शुड बी अ जेन्युइन डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि हम इम्प्लॉइज के साथ कलेक्टिव बारगेनिंग करें ताकि उन्हें इक्वालिटी की इक्वालिटी का एहसास हो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए दैट इज़ वर्कर्स पार्टिसपेटिव पार्टिसपेशन एंड मैनेजमेंट की जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी पॉलिसीज हैं दैट इज़ वॉट इज इंकल्केटेड इन टू द्लॉय रिलेशन नाउ रिस्पॉन्सिबल यूनियंस होने चाहिए इम्प्लॉयी वेलफेयर के बारे में सोचना है ग्रेवानस प्रोसीजर जो होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए ग्रवान्स प्रोसीजर में वो लोग को सही काम करना चाहिए सो एम्प्लॉज रिलेशनशिप क्या है ये एक कॉन्सेप्ट है That is being preferred over the older industrial relation concept because of the realization that there is much more to a workplace than industrial relation could look or cover. In general, employee relations can be considered to be a study of relationship between employees as well as employer and the employees, so that they find ways of resolving conflicts and to help in improving productivity of the organization by increasing. मोटिवेशन एंड मुराल ऑफ द वर्कर्स ये आपको जो लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पुअर परफॉर्मेंसेज है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंस यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बाद में रिलेशन बाद में आया एम्प्लॉय रिलेशन बाद में आया सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले आया एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय रिलेशन बाद में आया जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में थे वहाँ यूनियन मेंबरशिप्स बहुत होते थे और जो अभी वाले में है होते हैं बट मोर फोकस इज ऑन द एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एक जो होता है कि इम्प्लॉयज़ को ना एसेट्स बोला जाता है एंड अगेन uh, वही सेम कॉन्सेप्ट एच या एच वाला कि पर्सनल मैनेजमेंट ना बोलो एच आर एम बोलो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलो ह्यूमन को एसेट कैसे करो दिस इज ऑल इन द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप my रिक्वेस्ट is that आफ्टर यू स्टडी दिस वीडियो नो आफ्टर यू गो थ्रू दिस वीडियो गो थ्रू id act एक्ट वंस जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन है अगर उसको और अच्छे से एक बार आप जान लेते हैं ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हुआ कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है तो अभी जो है देर इज़ अ शिट बिटवीन इंडस्ट्रियल रिलेशन टू एम्प्लॉय रिलेशन और वाई एम्प्लॉय रिलेशन तो होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं होना चाहिए आई एक्ट में ना आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या तरीक़े हैं कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है जो भी प्रॉब्लम हो जो वट आर द वेरियस मशीनरी इन विच दीज थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट व्हाट आर द लीगल राइट्स बिकॉज ये एक हथियार है इट इज़ अ वेपन इन हैंड ऑफ़ दिस स्ट्राइक इज़ अ वेपन इन हैंड ऑफ द इम्प्लॉयज़ तो ये हथियार का हम क्यों हमको कोई अगर एक्सप्लॉयट कर रहा है तो हम अपने हक़ का क्यों नहीं प्रयोग करें लेकिन हक का प्रयोग हम गलत तरीके से नहीं कर सकते ठीक है तो क्या क्या है क्या चीज़ नहीं है ये ऑल दिस इज गिवन इन द आईडिया प्लीज़ गो थ्रू इट वंस एंड स्टे होम ऑल ऑफ यू एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पिंग ऑन द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड हैप्पी लर्निंग थैंक यू